यह है क्रौंच पर्वत। यहाँ आते ही सामने की पहाड़ियाँ देखिए बर्फ से ढकी हुई। आधा जो मार्केट है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है और आधा है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेचर कितनी खूबसूरत है ना, और कितनी कलाकार भी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ हाईवे के पास में स्थित कर्णप्रयाग से। कर्णप्रयाग में दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और पिंडर नदी। और कर्णप्रयाग में कल मैं इस होटल में रुका था जहाँ पे मुझे डबल बेड वाला रूम पड़ा, 700 रुपये का। अटैच वॉशरूम था, गीजर था, एक टीवी था पुराने ज़माने का, ये तो मैंने यूज़ करा नहीं। बाकी बाहर के जो नज़ारे थे वो थे काफ़ी गजब के। ठीक सामने नदी का शोर रात भर कल कल करता हुआ यहाँ से सुनाई दे रहा था। तो अब निकल पड़ते हैं आज यहाँ से अपने आगे के सफ़र पे, और मुझे जाना है कार्तिक स्वामी टेम्पल, जो कि यहाँ से पोखरी वाली रोड पे मुझे जाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ कर्णप्रयाग में है महाभारत के दानवीर कर्ण का एक मंदिर। तो यहाँ पे है श्री कृष्ण कर्ण मंदिर, और यहाँ के क्षेत्रपाल परावल देवता जी का मंदिर, और यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने दानवीर कर्ण का यहीं पे इस कर्ण शिला पे दाह संस्कार किया था। और ये भी कहानी है कि दानवीर कर्ण यहीं पे अपने पिता सूर्यदेव की आराधना किया करते थे। बाकी यहाँ से ठीक नीचे देखिए संगम के नज़ारे क्या अद्भुत से दिखाई दे रहे हैं। सामने से आ रही है पिंडर नदी और यहाँ से आ रही है अलकनंदा नदी, दो जगहों पर संगम दिखाई दे रहे हैं हमें। तो अब निकल पड़ते हैं अपने आज के आगे के सफर पे, और मुझे जाना है इस वाले रास्ते पे पोखरी। यहाँ से 28 किलोमीटर दिखा रहा है, और यहाँ भी एक टनल है, जैसी टनल रुद्रप्रयाग में है सेम ऐसे ही। अरे बाप रे, बंदरों का आतंक देखिए, पूरा कचरा उड़ेल दिया उन्होंने। और यहाँ पे है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग चमोली, और बाइक से मैं जाऊंगा यहाँ से कनक चौरी तक, एक जगह पड़ती है। और यहाँ पे लगा हुआ है आगे जाम, क्योंकि रोड कटिंग का काम जो चल रहा है। आपने एक चीज गौर करी है, नेचर कितनी खूबसूरत है ना, और कितनी कलाकार भी है। इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें बनाती है जो कि इंसान के बस की बिल्कुल नहीं है। और कर्णप्रयाग से लगातार चढ़ाई चढ़ने के बाद हम चोटी पे पहुंचे हैं, और यहाँ से नीचे देखिए गौचर भी दिखाई दे रहा है, और गौचर की हवाई पट्टी है वो भी दिखाई दे रही है। मतलब पहाड़ों के बीच में हवाई पट्टी होना कुछ अलग ही बात है। अब शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है सामने जो वो चोटी दिखाई दे रही है हमें वहीं जाना है। और ये मैं एंटर कर चुका हूँ पोखरी मार्केट में, पहली बार यहाँ आया हूँ। और आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं मोहन खाल मार्केट में। हेलो जी, बिग फैन सर। बढ़िया बढ़िया। तो चले जी यहाँ से नमस्ते पहाड़ आशुतोष नेगी भी हमको मिल चुके हैं, और इसके आगे का सफर हम तय करेंगे दोनों साथ में। अब आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं कनक चौरी में, यहीं से हमारा आज का ट्रैक होने वाला है शुरू कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए। अरे वाह, गजब 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 गजब। यहाँ आते ही सामने की पहाड़ियाँ देखिए बर्फ से ढकी हुई। अब यहाँ से इतनी दिखाई दे रही है हिमालय की रेंज, जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ से और भी गजब की दिखाई देंगी। तो चले जी यहाँ कनक चौरी से आज का हमारा ये ट्रैक स्टार्ट हो चुका है कार्तिक स्वामी मंदिर तक का, जो कि है 3.5 किलोमीटर का। अब बात करते हैं कि आप यहाँ कनक चौरी तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो अगर आप यहाँ कनक चौरी तक आना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की बस पकड़नी है, फिर रुद्रप्रयाग से आपको पोखरी वाली बस पकड़नी है, जो कि आपको रास्ते में कनक चौरी तक छोड़ देगी। और यहाँ कनक चौरी में आपको रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं आसानी से मिल जाएंगी। देखिए जी, जो ये वाला ट्रैक है ये 3.5 किलोमीटर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और नमस्ते पहाड़ के घर के नज़दीक है। तो मतलब कितनी बार आ चुके हुए हैं उसकी गिनती नहीं है, इस साल में ये दूसरी बार है। तो यहाँ ठीक सामने पे जो ये बड़ा सा पर्वत है ये है क्रौंच पर्वत, और हमको वहीं तक जाना है कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए। तो इस पूरे रास्ते में हर जगह पे आपको ऐसे चुन्नी कंगी और श्रृंगार का सामान और बिंदी लगाई हुई पेड़ों पे मिलेंगी, और ये सब लोगों ने यहाँ चढ़ाई है यहाँ के वन देवी देवताओं के लिए। ट्रैक में आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं यहाँ धर्मशाला में, यहाँ पे पूजा सामग्री की काफ़ी सारी दुकानें हैं और खाने की भी व्यवस्थाएँ मिल जाएंगी। क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया। आप कहाँ से? मैं श्रीनगर से। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे है भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर, और यहीं पास में है बजरंगबली जी की एक बड़ी सी मूर्ति, और ठीक सामने जो चोटी दिखाई दे रही है वहीं पे है कार्तिक स्वामी जी का मंदिर, और ये जो पर्वत है इसका नाम है क्रौंच पर्वत। चलिए जी, आज पहली बार मैं आया हूँ कार्तिक स्वामी जी के टेंपल में। कितना गजब का नज़ारा है सामने का, हिमालय रेंज दूर दूर तक दिखाई देती है यहाँ से।
देखिए जी, यहाँ की मान्यता ये है कि एक बार श्री गणेश जी में और कार्तिकेय जी में ये हुआ कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो भोलेनाथ जी ने कहा कि जो भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके यहाँ पे उपस्थित होगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो कार्तिकेय जी निकल पड़े अपने मोर पे और गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी से ये खेल खेला और उन्होंने अपने माता पिता का चक्कर लगाया, क्योंकि वो माता पिता में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते थे। तो वहाँ पर उपस्थित हो गए, तब से गणेश जी सर्वश्रेष्ठ माने गए। जब कार्तिकेय जी को इस बात का पता चला तो वो रुष्ट हो गए और कैलाश छोड़ के यहाँ पे आ गए। कहते हैं यहीं पे उन्होंने तपस्या करी और यहीं पे विलीन हो गए। और यहाँ पे जो ये मंदिर है, कहते हैं यहाँ पे उनकी अस्थियाँ थी, तो ऐसा कुछ मानते हैं यहाँ के बारे में। बाकी यहाँ से दूर दूर तक की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, अपना गुप्तकाशी भी दिखाई दे रहा है, केदारनाथ वैली हो गया, और इस साइड की अगस्त्यमुनि साइड के बहुत सारे गाँव दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से पौड़ी भी दिखता है। लेकिन अभी धुंध लगी होने की वजह से ज़्यादा कुछ क्लियर व्यू तो नहीं है। ये एक बिल्कुल शांत सी जगह है और यहाँ आज बहुत ही कम श्रद्धालु आए हुए हैं, कभी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसी खूबसूरत जगहों से वापसी जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या करें, जाना ही है। तो अगली बार फिर दोबारा जरूर आएंगे, हो सकता है हमें यहाँ बर्फबारी देखने को मिले उस टाइम पे। देखिए जी, जब हम यहाँ का ट्रैक कर रहे थे तो उस टाइम ज़्यादा कुछ भी हालत ख़राब नहीं हुई, मतलब कि नॉर्मल सा ट्रैक है, वापसी में तो और भी सरल है। और यहाँ से आप मंदिर की निशानी के तौर पर कुछ सामान ले जा सकते हैं, जैसे मालाएं हो गया, यहाँ की फोटो हो गया। देखिए जी, पहाड़ों में ये भी रोजगार का एक साधन है, रिंगाल से बनी हुई चीज़ें जो कारीगर है वो बनाते हैं और बेचते हैं इन चीज़ों को, तो इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए जी, निकल पड़ते हैं यहाँ कनक चौरी से अपने आगे के सफर पे। अब एक बार हमको जाना है मोहनकाल मार्केट तक, वहाँ पे कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। तो यहाँ मोहनकाल मार्केट की एक खास बात यह है कि आधा जो मार्केट है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है और आधा है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ मोहनकाल मार्केट में करीब एक घंटा रुकने और लंच और चाय पीने के बाद अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। तो यहाँ से हमको जाना है नीचे किड़झाणी वाली रोड पे, और ये रास्ता मुझे सीधे मेन हाईवे पे बांसवाड़ा में मिलाएगा। तो ये है किड़झाणी गाँव और का घर है ठीक नीचे पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर है? मिलते हैं फिर आप। ठीक है, तो चलिए जी, मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर की ओर। लोग भी देखिए ना कैसी कैसी जगहों पे बसे हुए हैं, और घूम फिर के सबको एक ही जगह पे मिलना, मतलब रास्ते हर जगह से जुड़े हुए हैं आपस में। अब यहाँ से ठीक नीचे दिखाई देने लगा है आशुतोष नेगी का गाँव किड़झाणी, और ये ठीक सामने है चंद्रनगर मार्केट, बहुत ही सुंदर सी लोकेशन पे बसा हुआ है। और आज हम गए थे ठीक सामने पे, जो वो सबसे ऊंची वाली चोटी दिखाई दे रही है ना, वहाँ पे गए थे, वही है क्रौंच पर्वत। अभी देखिए ठीक सामने वाली पहाड़ी पे किसी ने भयंकर आग लगा दी है, पूरा जंगल जब तक जलेगा नहीं तब तक आग बुझने वाली नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए मैं पहुंचा हूं बांसवाड़ा में, और यहां से मैं अब मिल चुका हूं मेन केदारनाथ वाले हाईवे पे, जिस पर कि मुझे सीधे आगे को अपने घर की ओर जाना है। जोशीमठ गया था मैं सामने वाले रास्ते और आया इस वाले रास्ते। शाम के 6:15 हो रहे हैं और मैं घर पे पहुंच चुका हूं सेफली। घर पे पहुंचने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। बाकी आज की जो ट्रिप थी बहुत ही बढ़िया रही, मतलब आज के इतने छोटे दिनों में भी मैं बहुत दूर दूर तक गया, बहुत कुछ चीज़ें देखी। तो कैसी लगी आपको पूरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। ये बड़ा हो गया माँ बोली मेरी नाक ठंडी हो रही की बोलते।